उनको खुद सोचना चाहिए या जो कचरा उठाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि कचरा ना फेंका करें। तो ये रास्ते जा रहे हैं, जो रास्ता जहाँ से रिक्शा आ रहे हैं, ये रास्ता ऊपर का आने वाला और ये जाने वाला रास्ता होगा। जो अंडरपास लेगा वो अंडरपास को ज्वाइन करके नाजमाबाद जाएगा, ब्लॉक जे, ब्लॉक एल, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, सैफी अस्पताल और जाउदीन अस्पताल जाएगा। और जो ऊपर से रास्ता लेगा वो करीमाबाद, आयशा मंदिर, वाटर पम्प, लालू खेत, सुहागपुर की तरफ जाएगा। तो ये अपडेट है कराची के करीमाबाद के वाले से। थोड़ा सा मैं आगे और लेके देखूँ तो ये मेमन मस्जिद बनी है, इसकी बिल्कुल साथ ही जो है ये अंडरपास स्टार्ट हो रहा है। और जो अंडरपास है आप इसकी चीज़ देख सकते हैं कि ये पहला मरहले, तीन मरहलों में अंडरपास बन रहा है। पहला मरहला जो है जैसे जहाँ से मैं खड़ा हुआ ये पहला मरहला है, और दूसरा मरहला ब्रिज के नीचे वाला है, और तीसरा मरहला जो है वो जियाउद्दीन अस्पताल की तरफ वाला है। जो पहला मरहला है उसका 30% काम तकरीबन हो गया है, 70% काम होना बाकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेसमेंट बनी है, बेसमेंट बन गए, साइडों में दीवारें बन रही हैं कॉन्क्रीट की। और आपको मैं पूरा आगे तक लेके जाता हूँ पहले मरहले पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं फंसी हुई ऊपर, ये वापस रिवर्स लेना पड़ेगा, आगे रास्ता बंद है। साइडों में जो खुदाई हुई हुई थी मिट्टी भर के इन्होंने इसको रोड को चौड़ा कर दिया है। फिलहाल रोड डला नहीं, इसकी वजह से रोड जो है वो बैठा हुआ है साइडों में। अगर आप गाड़ी लेके आए तो कोशिश करेंगे साइडों से ना निकालें, ये रोड बैठने का डर होगा। तो ये हम स्ट्रेट जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों ने पान की पीपी फेंकना शुरू कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कराची वालों का एक अपना मिजाज है पान की पीपो वाला। बाकी फ़िलहाल फ्लैट वालों ने पार्किंग्स यहाँ कर दी है खड़ी, ये बेसमेंट पूरी बन गई है प्रॉपर। इस पर अब रोड डलेगा या पत्थर डलेंगे ये तो देखना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। मेरा अपडेट ये है कि रोड जो है स्ट्रेट जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि लोहा जो है तकरीबन पतला लग रहा है, मगर अब ये तो कोई माहिरीन बताएगा कि लोहा जो डला है वो सही डला है या गलत डला हुआ है। बाकी साइडों में जो रोड खुदा हुआ था ना, इनको चाहिए फिल फोर फौरन ये पक्का करें कि अगर बारिश पानी होगी तो रोड पूरा बैठ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं अंदर पूरा लोहा मौजूद है, सरिया मौजूद है, और आप देख सकते हैं कंक्रीट का प्रॉपर काम हुआ हुआ है यहाँ। ये यहाँ जो है बनाएंगे फूल अपना स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे। बाकी ये पहले मरहले का 30% काम हुआ, 30% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो तीन मरहला है, इन तीनों मरहलों में सबसे बड़ा मरहला पहला मरहला ही है। अगर पहला मरहला बन गया तो ब्रिज के नीचे वाला हिस्सा और जो जाउदीन वाला हिस्सा उसको बनने में टाइम नहीं लगेगा। पहले मरहले की बेसमेंट और साइडिंग दीवारें 30% बन गई हैं, मज़ीद जो है 70% बनना बाकी है। और तकरीबन ये जल्दी काम स्टार्ट हो गया है जिससे केयरटेकर हुकूमत गई है, और मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर आला मुराद अली साहब का जो है, मुराद अली शाह साहब का जो है ये इनिशिएटिव है, इसमें हम अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लूप पोल्स हैं उन पर मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं दिखाता हूँ लाइव कवरेज कि कैसे ये दीवारें बन रही हैं। अभी ये देख सकते हैं आप सरिया काफ़ी पतला लग रहा है, ज़्यादा मोटा सरिया नहीं है। तो लेट्स सी, जो माहिरीन है वो बताएंगे कि सरिया मोटा है पतला है, ये तो अकाउंटेबिलिटी हुकूमत को करनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। बाकी ये मक्का होटल है, कोशिश दुआ करेंगे कि ये यहाँ थोड़ा सा ये मामला ऐसे है कि फ़िलहाल यहाँ जो है खाने पीने के लिए लोग आ नहीं पा रहे पॉकेट कस्टमर, तो कोशिश करें कि अगर आप लोग यहाँ गुजर रहे हैं तो यहाँ आएँ चाय वाय पिए पराठे लेने से। बाकी आप देखिए लाइव भी दिखा रहा हूँ मैं आपको सीमेंट निकलते हुए, ये सीमेंट आ रही है और ये रोड जो है वो बेसमेंट बन रही है, लोहे के लिए बेसमेंट बना के, ये जो है डाला जा रहा है, सीमेंट डाला जा रहा है। तो ये बन रही है कराची की अपडेट करीमाबाद की, आप देख सकते हैं पहले मरहले में ये हिस्सा इन्होंने फिलहाल छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ शायद और खुदाई होगी, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन को अंडरग्राउंड लेके जाएंगे या गैस की लाइन है ये, तो देखिए क्या होता है। ये जुगाड़ करके इन्होंने इस लाइन को रोका हुआ है। बाकी यहाँ जो भी पानी जो ठेकेदार है उसने जो है यहाँ ये किया हुआ है कि पानी और जो बिजली है वो यहाँ की पोल से और घरों से ले रहा है पानी। बाकी ये बेसमेंट आप देख सकते हैं प्रॉपर एक बन रही है दीवार, और ये यहाँ तक काम हुआ है। बाकी जो मस्जिद 70% है वहाँ काम होना बाकी है, वहाँ खुदाई अभी स्टार्ट, वहाँ खुदाई हो रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ काम हो रहा है।